हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस बार यह तिथि 20 जून 2021 रविवार को मनाई जा रही है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा क्यों खास है, जानिए इस पर्व का महत्व। गंगा दशहरा का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा माँ की आराधना करने से व्यक्ति को 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा ध्यान एवं स्नान से प्राणी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या ब्रह्महत्या छल कपट परनिंदा जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्तों को माँ गंगा की पूजा अर्चना के साथ दान पुण्य भी करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन सत्तू मटका और हाथ का पंखा दान करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त। गंगा दशहरा शनिवार 19 जून 2021 को शाम 6:50 से दशमी तिथि का प्रारंभ होगा, जो 20 जून 2021 रविवार शाम 4:25 तक रहेगी। अतः गंगा दशहरा पर्व रविवार 20 जून 2021 दशमी तिथि को मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं गंगा दशहरा से जुड़ी 10 खास बातें। पहला, गंगा दशहरा पर्व सनातन संस्कृति का एक पवित्र त्योहार है। दूसरा, धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तीसरा, गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। चौथा, गंगा नदी स्नान के साथ साथ इस दिन दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्तू मटका और हाथ का पंखा दान करने की मान्यता है। छठा, गंगा दशहरा के दिन अपने पितरों को याद करके उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। सातवां, शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ देना चाहिए, तत्पश्चात दान अवश्य करना चाहिए। आठवां, देवी भागवत के अनुसार शतशह योजना दूर बैठा मनुष्य भी यदि गंगा के नाम का उच्चारण करता है तो वह पापों से मुक्त होकर भगवान श्रीहरि के धाम को प्राप्त करता है। नवां, गंगा भगवान विष्णु का स्वरूप है, इसका प्रादुर्भाव भगवान के श्री चरणों से ही हुआ है, तभी तो गंगा के दर्शनों से आत्मा प्रफुल्लित होती है। दसवां, यदि कोई भी श्रद्धालु स्नान से पहले गंगा का आह्वान करता है और नदी में डुबकी लगाने से पहले उसी में गंगा की उपस्थिति की अनुभूति करता है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।